What's up guys, this is me Sachin Singh Chauhan और आज हम बात करेंगे हम घर पे अपने जो कमी होता है उसको कैसे कम कर सकते हैं। एप्स की बातें करेंगे, होम वर्कआउट होगा कि घर पे आप किन किन एक्सरसाइज को करें तो आप आपका बेली फैट लूज कर सकते हैं, वो भी एक महीने में या एक वीक में। धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, एक हफ्ते में आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे, आप कंटिन्यू एक महीने तक करेंगे तो आपका जो ये बेली फैट है ये आपका स्टमक ये फ्लैट हो जाएगा। तो मैं आज आपको ऐसे चार एक्सरसाइज बताने वाला हूँ और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो गाइस आप बात करते हैं चार एक्सरसाइज के बारे में, आइए स्टार्ट करते हैं। पहली जो एक्सरसाइज है आपकी वो है आपके अपर एब्स के लिए। मैं दोनों लोगों के बताऊंगा जो घर पे वर्कआउट कर रहे हैं, जो काफी टाइम से कर रहे हैं या जो स्टार्ट करने वाले हैं। जो स्टार्ट करने वाले हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे, बिगिनर्स अपने हाथों को ऐसे रखेंगे, पैरों को ऊपर रखेंगे और वो जहां भी टच कर सके वो ऐसे टच करना है और जितना जा सके, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स वो ऐसे हैं या जो भी लोग हैं वो ऐसे हैं, मुंबई की बात कर लो, बहन की बात कर लो, गलती हुई गर्ल्स की बात कर लो, बॉयज की, टमी बहुत ज्यादा है तो वो ट्विस्ट नहीं कर पाते। तो पैरों में यहाँ रखना है, जितना हो सके आप ऐसे टच करिए, 3, 4, 5। अब मैं उन लोगों की बात करूंगा जो काफी टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको क्या करना है, पैरों को सीधा रखना है, आगे रखना है और मैं टोटल कर लू 1, 2 एंड रिटर्न 3, 4, 5। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई अपर एब्स की। अब सेकंड एक्सरसाइज में आपको बताता हूं, पैरों को सीधा रखना है, हाथ इतने नीचे, बॉडी स्ट्रेट। अब आपकी लोअर पोर्शन जो है केवल लोअर पोर्शन ऊपर आएगा 90 डिग्री, 1 एंड डाउन, टच नहीं करना है नीचे, 1 एंड डाउन, 3, 4 एंड 5। ये आपकी सेकेंड एक्सरसाइज हो गई ये लोअर एब्स के लिए। जो लोग मोटे हैं जिनसे नहीं हो पाता वो अल्टरनेट भी कर सकते हैं, जो बिगिनर्स हैं ऐसे करते हैं। जब इससे आप ज्यादा रिप्रेशन से लगाने लगे तो आप दोनों पैरों को साथ में मिला के फिर एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। तो ये दो एक्सरसाइज हो गई। अब मैं आपको थर्ड एक्सरसाइज बताने वाला हूं। थर्ड एक्सरसाइज है आपके ऑब्लिक्स के लिए, पैर को पकड़ना है, हथियार रखना है, सीधा टच करना है, 1, 2, 3, 4, 5। सेकेंड साइड, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज हो गई ऑब्लिक्स के लिए, इसको बोलते हैं ऑब्लिक क्रंचेस। तो गाइस आपकी फोर्थ एक्सरसाइज है, साइकिलिंग करना है आपको एब्स के लिए और ऑब्लिक्स के लिए। इसको कैसे करेंगे, दोनों हाथ आपको सर के पीछे रखना है, उसके बाद में आपको पैरों को ऐसे ऊपर उठाना है, नी फोल्ड करना है। जब आपका लेफ्ट वाला नी पास में आएगा तो आपको राइट वाले एल्बो से क्लोज ले जाना है, 2, 3, 4। जैसे मैंने आपको बताया आपका राइट वाला एल्बो लेफ्ट वाले नी को पास में जाएगा और आपका जो राइट वाला जो नी है और आपकी जो लेफ्ट वाले एल्बो दोनों क्रूज है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप देखिए और ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये आपकी फोर एक्सरसाइज होगी। अब मैं आपको लास्ट बताने वाला हूँ, जो चारों एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में जो आपको लास्ट करना है वो क्या करेंगे आपको करना है प्लान। प्लान करने के लिए क्या करेंगे, आपकी जो एल्बोज है शोल्डर के नीचे आएगी, दोनों हाथों को से क्रॉस कर लेना है, टोस पे आना है, हिप हल्का सा ऊपर रहेगा, पूरी बॉडी टाइट, सीधा ऐसा होल्ड करना है, इसको आपको मैक्सिमम टाइम होल्ड करना है। तो ये मैंने आपको चार एक्सरसाइज बताई, ये लास्ट में एक्सरसाइज बताई वो प्लांक, जो आपके टमी को आपके बेली फैट को फ्लैट कर देगा। तो ये चार एक्सरसाइज तो आपको करनी है, लास्ट में प्लांक भी करना है और मैंने जो चार एक्सरसाइज बताई है इसको आपको अल्टरनेट डेज में करना है, सबके 25 रिपीटेशन करने हैं, 3 सेट्स लगाने हैं। जो लास्ट में आप प्लांक करोगे उसके आपको 2 सेट परफॉर्म करना है, मैक्सिमम टाइम होल्ड करना है। अगर आप एक हफ्ते तक ये सारी चीज़ें परफॉर्म करोगे, अच्छा न्यूट्रिशन लोगे, आपको जंक फूड अवॉइड करना है टोटली,
रात को सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खाना है, जंक फूड अवॉइड करना है, मीठा नहीं खाना है, अच्छा न्यूट्रिशन लेना हो रहा और आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करना है अल्टरनेट डेज पे, जैसा मैंने आपको बताया 25 रिपीटेशन लगा रहे हैं 25, हर एक्सरसाइज के आपको 3-3 सेट्स करने हैं, लास्ट में जो प्लान बताया उसके आपको 2 सेट्स करने हैं, मैक्सिमम टाइम होल्ड करना है, और ये करते हो तो आपका टाइम फ्लैट हो जाएगा। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।